Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I feel let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes of your ghost. Feel let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes. तो मैं आपको अपने छत से ना सूरज डूबता हुआ नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये नज़ारा कितना ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, मज़ा आ रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ और इससे डूबते हुए सूरज को ना मैं शूट करने वाली हूँ अपने बैक कैमरा से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो चलिए पहले मैं इसको शूट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बाय बाय, गुड इवनिंग। तो हमारे घर पे आया है देसी घी के समोसे और घेवर, और ये है यहाँ के फेमस स्वीट से मैंने मंगवाया है। घेवर भी आपको दिखाती हूँ और देसी घी के समोसे पूरे घर में गूंज रहे हैं। ये है घेवर लाइक दिस और आधा रखा है हमने चढ़ाने के लिए, और ये है देसी घी के समोसे। तो चलो एंजॉय करते हैं देसी घी के समोसे और फिर मिलती हूँ कल। और अभी तो हम यही खाने जा रहे हैं और फिर सो जाएंगे, निन्नी निन्नी कर लेंगे। और आज मैंने बनाई है बहुत सारी अच्छी अच्छी रील वीडियो छत पे जाके, और आज मैं लाइव भी आई थी बट मेरी लाइव किसी ने ज्वाइन नहीं किया, शायद किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैं बहुत देर तक वेट करती रही, उसके बाद मैंने लाइव एंड कर दिया क्योंकि मुझे रील वीडियो बनानी थी। हे गाइस, तो देसी घी के समोसे खा के मज़ा आ गया, और हमारे यहाँ के मित्तल जी के समोसों की कोई जवाब नहीं है। और मित्तल जी के आप समोसे खा लो, चाहे आप उनके छोले भटूरे खा लो, चाहे उनके आप पनीर की जलेबी खा लो, मतलब इतने फेमस यहाँ पे चीज़ें मिलती है, खासकर खाने पीने की। कपड़े शॉपिंग तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है ही, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ना तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिलेंगे, एक से बढ़कर एक यहाँ पे खाने की वैरायटी आपको मिलेगी, एक से बढ़कर आपको छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, कैफेज़। यहाँ पे इतने सारे कैफेज़ हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, बहुत ही टेस्टी और यमी है। रहने दो, वहीं रख दो, मैं फेंकूँगे। तो मज़ा आ गया, एकदम से दिल खुश हो गया। बहुत दिन से मेरा जो है ना समोसे खाने का मन कर रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो लोकल बनाते हैं ना मैं नहीं खा पाती हूँ। एक दिन ना मुंह में कुछ कंकड़ सा आ गया था तो मेरा मन एकदम से खींच लिया गया। उसके बाद मतलब मैं लोकल खाती नहीं हूँ, स्वीट्स की दुकान से ही मंगाती हूँ, और यहाँ पे जो फेमस स्वीट्स की दुकान है ना उनसे ही मंगाती हूँ, तो जो कि देसी घी में बनता है। और एक समोसे का टेस्ट अगर आपने खा लिया ना सदर बाजार दिल्ली का, जो कि बहुत फेमस है, आज से नहीं कम से कम 25 या 30 ईयर्स से उनकी शॉप, एकदम पुरानी दुकान है। 100 साल से भी पुरानी है उस दुकान को, कहा जाता है कि वो 100 साल से भी पुरानी है। मैंने शायद गलत बता दिया आपको, मैं जब वहाँ पे होलसेल माल लेने जाती थी ना तब हम वहाँ के समोसे जाते वक्त भी खाते थे और आते वक्त भी खाते थे, बिना खाए मतलब रह नहीं सकते थे। और उनके समोसों की खुशबू जो है ना चौराहे से ही हमारे नाक में आनी शुरू हो जाती थी, इतनी ज़्यादा फेमस है। 100 ईयर्स है उनकी शॉप जो है, रेस्टोरेंट या फिर मिष्ठान भंडार कह लीजिए। और क्या नाम है वो मुझे नाम अभी दिया, क्या नाम था, नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन कब
कभी गई ना तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और इतने बड़े बड़े समोसे, अगर आप एक समोसे खाने वाले होंगे ना तो मैं कहती हूँ गारंटी है कि आप 4 से 8 समोसे खा सकते हो। उनके इतना ज़्यादा फेमस है। और यहाँ की आप रबड़ी फलूदा खा लो, और इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिलती है। रबड़ी फलूदा हो गया, मतलब दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। मतलब मैं आए दिन शाम को ना कुछ मंगाती रहती यहाँ हूँ। की तो मित्तल है दुकान, हाँ मित्तल ही बता रही हूँ, मित्तल स्वीट, मित्तल स्वीट्स जो है ना, शाम को तो उनके यहाँ ऐसी भीड़ लगती है ना कि आप पूछो मत। ही कब से खड़े थे समोसों के लिए, मतलब 5 समोसे मैंने मंगाए थे, और मैंने बोला था मैं सिर्फ एक खाऊंगी, और बहुत नाम सुना हुआ था। आज मतलब इससे पहले भी हम उनके यहाँ गोलगप्पे वगैरह खा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाए थे, लेकिन समोसे पहली बार ट्राई किया हमने उनका समोसा ना, तो उनका समोसा जो है हमने पहली बार ट्राई किया। उनके यहाँ एकदम फ्रेश छोले भटूरे मिलते हैं, आपको ले के चलूंगी किसी दिन, आपको दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा मतलब उनके टेस्ट के ना कोई जवाब नहीं। अभी जो समोसे आए थे ना प्योर देसी घी में बने थे, मतलब मैंने लिटरली 2 समोसे खा लिए, मेरे को पता ही नहीं चला, और पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वो वाला सीन हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी था। ये है मित्तल जी का घेवर, ओ माय गॉड, देसी घी का। अच्छा उनकी जलेबी, खोया और उनका पनीर जलेबी, पनीर जलेबी, ये सब चीज़ें देसी घी में बनती है। समोसे, ये सब चीज़ें उनके यहाँ देसी घी में बनती है। बम, माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। लोगों ने क्या खा लिया इसको पता ही नहीं चला। नहीं पहले इसको खिला के लाना। अच्छा खा लिया था पहले, तो चलो गाइस मैंने नाइट वेयर पहन लिया है और अब मैं टेक रेस्ट करने जा रही हूँ। और आपको बताऊँ, आज मैंने 4 थैले कूड़े निकाले हैं। ये जो आपको बोतलें दिख रही है ना, ये सब खाली हो गई थी, सारी सॉस की धोई है, पूरा अपना किचन काउंटर टॉप धोया है मैंने, पूरा गैस चूल्हा धोया है, क्योंकि धूल की वजह से ना, अगर मैं सुबह चूल्हा साफ करती हूँ ना, 1 घंटे में देखना ये इतना गंदा दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपना चूल्हा साफ नहीं करती हूँ। क्योंकि ये जो खिड़की है ना, पूरा हमारे घर में वेंटिलेशन दे रखा है, हर तरफ से वेंटिलेशन है, आपको लाइट रहे ना रहे, गर्मी कितनी भी पड़े, लेकिन आपको हवा जो है ना, वेंटिलेशन घर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चारों तरफ से हवा आती है, हमारी किचन की खिड़की ले लो, अमेजिंग है, चारों मतलब उधर रूम की भी जो खिड़कियाँ हैं ना, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, मतलब माइंड ब्लोइंग बनाया गया है इस घर को। आज कमर तोड़ के सफाई करी है मैंने, तो ये पूरी खिड़की देख रहे हो, खोलने के बाद ना इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है जिसके कोई हिसाब किताब नहीं। और आज मैंने अपने अपने खुद के रूम की भी सफाई करी है, वो अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, तो आपको कुछ खाली खाली सा देखने को। अरे बाप रे बच गई, अभी तो मेरी टक्कर हो जाती। तो इस रूम में भी खिड़की है, मेरे हस्बैंड के जो स्टोर मतलब कपड़े का जो रूम है उसमें भी स्टोर रूम है, इधर दरवाज़ा है, उधर बालकनी का दरवाज़ा है। अगर बारिश हो रही है, हवा चल रही है ना, तो माइंड ब्लोइंग है। चलो आज बहुत कुछ किया मैंने, पूरे घर की सफाई, मतलब चारों पांचों कमरों की सफाई, दोनों बाथरूम की सफाई, किचन की सफाई, और अपने फ्रिज की भी सफाई, और अपने फ्रिज की सफाई। कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, जैसे लाइक सुबह टिफ़िन बनाना, चाय नाश्ता बनाना, ये मेरी पॉसिबल में नहीं हो पाता है जल्दी शेयर करना। तो ये देखो मेरा किचन काउंटर टॉप चमक रहा है। तो चलो अब जा रही हूँ मैं रेस्ट करने, गुड नाइट, मिलती हूँ कल एक नए दिन के साथ, अभी के लिए बाय बाय। और मैंने क्या पहना है वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। गुड आफ्टरनून, तो कैसे है तू सब, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो हम सोचे हैं कि आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा हटेला ब्लॉग बनाते हैं। हटेला ब्लॉग में ये होगा कि आज हम ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं लंच में, क्योंकि निशु को जो है ना ब्रेड पकोड़ा खाए के हो, तो हम सोचे कि हम हाँ का बनाई, तो हम यही मारे ब्रेड पकोड़ा ही बनावा थे, तो चला तू लोग के दिखाओ थी, और ऐसे हटेला ब्लॉग तो कुछ हो ही ना सकत, तो यही के मारे हम थोड़ा सा हट के ब्लॉग बनावा थे, यानी कि ब्रेड पकोड़ा। ये है हमारा बेसन, और ये है हमारा ब्रेड, और यहाँ बन रहा है ब्रेड पकोड़ा।
पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है। ये है हमारा बेसन का घोल और ये है हमारा ब्रेड और यहाँ बन रहा है ब्रेड का पकोड़ा, जो कि आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। कर दुआ कि दिल रह पाए, अबे घुल जा। तो हम सोचे हैं कि आज हम थोड़ा सा हटके ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा सा हटेला टाइप का ब्लॉग बनाएंगे बउआ की तरह। बउआ जब नहाने जाता है तो शावर चालू करके वहां से हट जाता है, उससे हटेला कोई होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम भी बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी तो सब कोई खात है, तो यही मारे हम आज बनावत है बेसन का पकोड़ा। और अगर तुम लोग के खाए खाओ तो तुम लोग आ जा एंजॉय कैला। और बताओ तुम लोग के यहाँ बारिश वरिश होता कि नहीं होता? हमारे यहाँ तो दो तीन दिन बारिश भर जम के ओकरे बाद बारिश बंद बटे। अभी तो बारिश का कोनो नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे हमारे बेसन का घोल जो है ना रेडी होई के बाद, तो अब हम एक अंदर ब्रेड डुबा देबे और रेसिपी भी बताते हैं। ब्रेड डुबा के तेल में डाल देबे और ब्रेड पकौड़ा हमारा बन जाए। अगर तू लोग के ब्रेड पकौड़ा बनावे ना आवत तो हम बतावत ही हमारे रेसिपी से सीख ला। और ऐसे बढ़िया रेसिपी तुम लोग के कोई बताइबो ना करी। यही मारे हम तुम लोग के आज ब्रेड पकौड़ा का रेसिपी शेयर करत ही। हम लिए हैं बेसन और बेसन में डाले हैं थोड़ा सा लाल मिर्च और डाले हैं थोड़ा सा नमक और चाट मसाला और चटनी और काला नमक और अमचूर पाउडर, यही सब डाले हैं बेसन के अंदर ताकि थोड़ा सा चटपटा बने स्पाइसी टाइप का। तो अब हमारा तेल भी गर्म हो गया। अब हम ये बेसन का घोल जो है ना अपने तेल में डाल दे बे, मतलब पहले ब्रेड घोला ओकरे बाद तेल में डालो, ठीक है? तो चला बेसन का घोल तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया बा। अब हम बनावत ही बेसन का पकोड़ा, सबसे हटके इससे हटके कुछ हो ही ना सकत। और इससे हटके कुछ होए तो हमें भी कमेंट करके बता दिया। आज तक पूरे यूट्यूब पे ऐसा रेसिपी कोई शेयर ना करे हुए, ऐसा वीडियो कोई ना शेयर करे हुए जितना बढ़िया आज हम वीडियो शेयर करे वाली है। ऐसे हटके कोई शेयर ना कर सके तुम लोग के, यही मारे हम शेयर करे थे। ला गब्रेड तेल में, चला तुम लोग के दिखा देते कैसे बना था हमारा ब्रेड का पकोड़ा। सो गाइस अभी मेरे कपड़े धो रहे हैं और मुझे बार बार आ रही है नींद, लेकिन मेरा लड़का है ना मुझे सोने नहीं दे रहा है। मैं जितनी बार सोने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरे को धक्का मार मार के जगा दे रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन सोने नहीं दे रहा। तो मेरा मन कर गया कि चाय बना के पी लूँ, तो चलो फाइनली मैं चाय बनाती हूँ एक कप अपने लिए, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो इतनी मेरी लाइफ खराब हो रखी है, इतनी मेरी लाइफ खराब हो रखी है कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो लड़का सोने नहीं दे रहा था और अभी चाय बनाने जा रही थी तो दूध खत्म हो गया, मतलब मेरी लाइफ एकदम पूरी तरीके से खराब ही हो रखी है। एक बूंद भी घर में दूध नहीं है। तो चलो पहले दूध मंगाते हैं। सोचा कि लड़का सोने नहीं दे रहा, चाय से क्या होता है कि आपकी नींद उड़ जाती है, भाग जाती है। सोने की कोशिश कर रही हूँ तो सोने नहीं दे रहा, जागने की कोशिश कर रही हूँ सोच रही हूँ कि चाय बना के पी लूँ ताकि नींद उड़ जाए, तो वो भी नहीं होने दे रहा और साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, या इस वीडियो का जो है एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो। मैंने पहना है ये वाला फ्रॉक, इसका हॉल वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो चलिए अब सोने की कोशिश करूँगी, लेकिन बाहर मेरे कपड़े धुल रहे हैं और क्योंकि हस्बैंड के कपड़े जो है ना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे लिए धोना, तो उनके कपड़े धुल रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जो है
मेरी जो ब्लू वाली साड़ी थी उसका किसी ने कोड मांगा था, तो उसका कोड मैं अपने आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं आपको कोड देना भूल गई थी ब्लू वाली साड़ी का, मुझसे किसी ने कोड मांगा था, तो उसका कोड जो है मैं अपने आज की वीडियो में डाल रही हूँ, तो चेक कर लेना। और मेरा जो नाइट वेयर सेट था वो 550 रुपये का था, और जो बैंगल्स और ऑर्गेनाइजर ज्वेलरी बॉक्स था वो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में था, यानी कि 200-300 के अंदर ही वो दोनों सेट था, यानी कि ज्वेलरी बॉक्स भी था और साथ में बैंगल्स बॉक्स भी था, वो 300 के अंदर ही था दोनों चीज़। तो ये दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, और कोड जो है मैंने कल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आप लोग मम्मी लाइव भी आ जाना वीडियो ख़त्म करने के बाद, तो उसके उस पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कोड के जरिए, तो बहुत रीजनेबल रेट है नाइट वेयर का भी और ज्वेलरी बॉक्स और बैंगल्स ऑर्गेनाइजर का भी। ठीक है, तो बाय बाय।